हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फोटोशॉप में किसी भी फ़ोटो को किस तरह पासपोर्ट साइज में बनाओगे और उसको किस तरह क्लियर करोगे, यानी फ़ोटो को किस तरह साफ़ करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसको सीखेंगे किस तरह हम फ़ोटो को प्रिंट वगैरह करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम विंडो आर करते हैं और यहाँ से फोटोशॉप, अभी हमारा फोटोशॉप ओपन हो रहा है। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़ोटो को यहाँ पे मंगाएंगे। पहले यहाँ पे हम उस फ़ोटो को ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे हमारी फ़ोटो है, यहाँ पे भी आप उसको ओपन करना। हमें क्या करना है, इस फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ में बनाना। हमने इसको क्या किया, यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या है कि इस फ़ोटो को, अभी देखो यहाँ पर पूरा फुल फ़ोटो है, इसको क्या करना है, हमें क्रॉप करना है, यानी जो पासपोर्ट की साइज़ रहती है उस साइज़ में हमें इस फ़ोटो को रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉप टूल का यूज करेंगे। क्रॉप टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए जो इसकी क्या है, विड्थ एंड हाइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप विड्थ कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना देना है, 4.5 सेंटीमीटर, और रेजोल्यूशन 300 रखना है, और यहाँ से डिजिटल पिक्सल इंच पे ही रहने दे रहा है। और इसको हम जूम माइनस कर लेते हैं, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फ़ोटो है इसको अब इसी तरह हमें क्या क्रॉप करना है, तो हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं क्रॉप टूल की मदद से। हमें जितना भी फ़ोटो का हिस्सा चाहिए हमने क्या किया, उसको यहाँ से क्रॉप कर लिया। इतना हमें हिस्सा चाहिए था, लेकिन हमारा क्या है, इसको हम इधर उधर फिट कर सकते हैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके। तो ये हमारा क्या हुआ, फ़ोटो यहाँ से इस तरह फुट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम और माइनस करते हैं और यहाँ से सही कर देंगे, इससे टिक कर देंगे, या आप इंटर भी कर सकते हो। तो अब देखिए ये फ़ोटो क्या हुआ, हमारा एक पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप हो चुका है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो अब इस फ़ोटो को हमें एडिट करना है। एडिट करना क्या है कि मतलब इसको यहाँ से कंट्रोल प्लस करेंगे, इससे क्या होगा, फ़ोटो जूम होगा। इसको देखिए यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, अभी क्या करना है, हमें सिर्फ इसका बैकग्राउंड हटाना है। तो अगर हम मैजिक टूल लेंगे तो इससे अगर एक सिंपल कोई बैकग्राउंड रहता तो वो हटा सकते हैं एक ही बार में, लेकिन हमारा क्या है इसमें कई कलर मिक्सिंग है तो ये बैकग्राउंड एक बार में सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक टूल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना और यहाँ पर मैग्नेटिक लासो टूल, इसको यूज करने के लिए आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके। इस तरह इसको क्या करिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस तरह आपकी फ़ोटो है उस तरह हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हुए चलते हैं। ये बहुत आसानी से स्मूथली सिलेक्शन होता है। आप इसमें बैक स्पेस से क्या कर सकते हो, वापस आ सकते हो, जहाँ जहाँ पॉइंट एक क्लिक हो रहा है आप चाहते हो अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया है तो उसको क्या करिए, बैक स्पेस करके आप वापस आ सकते हो। यहाँ से हम स्मूथली उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं पहले। ये सिलेक्शन हमारा हो रहा है, इसको आप बहुत ही आसानी से करेंगे सिंपली अच्छे से, ताकि ये सिलेक्शन आपका जो भी रहे इसी के हिसाब से आपके फ़ोटो को क्या करेगा, बैकग्राउंड हटाएगा। तो हम पहले इसका ये बैकग्राउंड हटा लेते हैं, यहाँ से ये देखिए बैक स्पेस करके आप वापस जा सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वहाँ से क्या करिए, बैक स्पेस कर लीजिए। और ये देखिए हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, बाहर के एरिया को आप सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, बाहर बाहर क्लिक करते हुए यहाँ से आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इस तरह, बाहर बाहर का एरिया को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, वहीं पे आके उस पॉइंट को मिला देंगे। यानी ये आपका सिलेक्शन हो गया है। अभी देखो इसके कुछ पॉइंट यहाँ बचे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले क्या करेंगे, जो हमें बैकग्राउंड लगाना है हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा कलर हमें बैकग्राउंड लगाना है, इस टाइप का हमें बैकग्राउंड चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ से ओके कर दिया। अगर आपको इससे हल्का भी बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, यहाँ पर
फिर से हम डबल क्लिक करेंगे जिस हिसाब से हमें, मान लीजिए यहाँ का इस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए था तो हमने इसको लिया, और यहाँ से कंट्रोल डिलीट प्रेस कर देंगे। एक बार आप क्या करिए, कंट्रोल डिलीट को जैसे प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका फ़ोटो जो है उसके अनुसार क्या हुआ, बैकग्राउंड उसका हट गया है। तो यहाँ पे इस तरह हो गया, और ये जो सिलेक्शन है इसको क्या कर सकते हो, आप वहाँ से हटा सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस करिए, ये सिलेक्शन हट जाएगा। और इस तरह से देखिए आपका जो फ़ोटो था वो पूरा बैकग्राउंड उसका हमने क्या किया, हटा दिया यहाँ से। तो इस तरह आप अभी देखिए पिक्सल हमने आ रहा बहुत ज़्यादा था, 5 इंच था हमारा ये पिक्सल के हिसाब से, फ़ोटो काफ़ी एडिट हो गया है। अब इसको जो भी अगर आपके इंस्टा पॉइंट लगते हैं इसके, तो आप क्या करिए यहाँ पे उसको हटा सकते हो। ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो में लाइटिंग लाना है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बचा हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ब्रश टूल का यूज कर लो, और इसमें क्या कर सकते हो, ब्रशिंग कर सकते हो, यही है। तो आप यहाँ पर क्या करो, ऑक्सिटी अभी देखो 10% है, हमने क्या किया इसको 100% पे रख देते हैं जो भी रहे। और अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, स्मूथली, ठीक है, सॉरी गाइस, रीज़न ये था कि हमारा जो कलर है यहाँ पे देखिए, एक कलर जो है यही ब्लैक कलर था, तो यहाँ से आप पहले क्या करिए, इस कलर को पिक कर लीजिए, सेम कलर होना चाहिए तभी आप ब्रशिंग करेंगे, ताकि वो क्या हो आपका पूरा। यहाँ से साइज आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये किससे बढ़ रहा है, बड़ा क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, साइज़ को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से हम इसको ब्रशिंग कर लेते हैं जिस हिसाब से हमें चाहिए था, ये सीधे सही हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा ये फ़ोटो, इस तरह इसका बैकग्राउंड तो हट गया है। अब हमें क्या करना है, इस पर जो इसका इमेज पे आएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इमेज पे आएंगे और यहाँ से एडजस्ट मोड करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस पहले बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस को ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम है ब्राइटनेस आप देख रहे हो। तो ये हमने क्या किया, इसका ब्राइटनेस बढ़ा लिया, और यहाँ से कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरह ये फ़ोटो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। इस तरह हमने क्या किया, इसका ये सब बढ़ा लिया, और यहाँ से ओके करते हैं। अब यहाँ पे आप फिर नीचे आ सकते हो कि और भी इसमें थोड़ा, अभी देखो इसका क्या आगे थोड़ा क्लियरिटी लानी है, तो क्लियरिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल एम या भी कर सकते हो, यानी कर्व वाला सिस्टम आप यूज करोगे। यहाँ से आप इसको आसानी से अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको इफेक्टिव दे सकते हो कि किस हिसाब से हमें इस फोटो को सही से करना है। तो जहाँ पे लगे हमें कि ये फ़ोटो सही है अभी इस टाइप की है, और यहाँ पे आप उसको रख सकते हो और भी स्मूथली रखना चाहते हो, तो यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं। और अब फ़ोटो को हमें थोड़ा और साफ़ करना है, यानी थोड़ी क्लियरिटी लानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं कि हमें जो इस पर कलर डालना है, इस टाइप का कलर डालना है, यानी ये जो फ़ोटो का कलर है हमने यहाँ से पिक कर लिया। अब ये फ़ोटो का कलर तो यहीं से पिक किया है, ठीक है। अब इस कलर को हम क्या करना चाहते हैं कि इस पूरी फ़ोटो पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश को यूज करेंगे। ब्रश अभी नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लर टाइप का कोई यूज करेंगे, इससे क्या हो जाए हमारा फ़ोटो जब भी रहे वो ब्लरिंग टाइप का दिखे। तो यहाँ से ब्लर वाला कोई भी सिंपल ए हम ले लेते हैं, हमने ब्लर का यूज कर लिया। और यहाँ पर ये जो साइज़ है इसकी, यहाँ से हम थोड़ी कम कर लेते हैं, साइज़ हम थोड़ा सा इतने पर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्यूसिटी है, यानी जो उसकी, इसको 10% करते हैं, यहाँ पे एक्यूसिटी सिर्फ कितनी है 10% इंटर कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फ़ोटो को शार्प करेंगे, थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं इस फ़ोटो को। और यहाँ से आप देखेंगे इसकी जो, आप थोड़ा सा उस फ़ोटो को अच्छा से दिखाना चाहते हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम उसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह साफ़ कर लेंगे ब्रश की सहायता से। और भी अगर आप ब्रश थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप ब्रश की साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से बड़ा कोष्टक से, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह ये फ़ोटो को थोड़ा सा हमने साफ़ कर लिया, इधर भी आएंगे,
इस तरह जहाँ जहाँ पे भी हमें लगे कि थोड़ा फ़ोटो को साफ़ करना चाहिए, हम वहाँ से साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा माइनस करते हैं और इसका जो आकार है उसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह आप ब्रश की सहायता से आप फ़ोटो को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे जितना भी आप करना चाहते हो। अब देखो ये फ़ोटो हमारी क्लियर हो गई है, और भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इमेज में आए, इमेज में आओगे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और भी कलर में जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐटो कर लेते हैं, देखते हैं कि अपने हिसाब से थोड़ा सा उस फ़ोटो को गाढ़ा कर दिया। और भी आप कॉन्ट्रास्ट को और भी बढ़ाना चाहते हो, आप फ़ोटो को सही तरीके से एडिट करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए हम आते हैं, इतना करने के बाद आप फ़िल्टर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो को थोड़ा सा हम क्या करें शार्पनेस दे दें, तो यहाँ पे आप शार्पनेस को यूज कर सकते हो, किस टाइप की शार्पनेस चाहिए। आप देखिए अब फ़ोटो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया है, और यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे अभी हम आते हैं फ़ोटो को क्या करते हैं, अब हमारा फ़ोटो काफ़ी रेडी हो चुका है बनके। अगर आप चाहते हो कि और थोड़ी सी इसमें क्या कर दें, हम ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं और थोड़ी सी, या कैनवा यहाँ से आप आइए एडजस्टमेंट, और यहाँ से फिर क्या करते हैं कर्व करते हैं। आप किसी कलर को भी अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरह आप उसको एडजस्ट करेंगे जिस हिसाब से आपको पिक को लाना है। तो ये देखिए हमारी ये फ़ोटो पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी है। अब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने पिक को काफ़ी तरह से, और अगर आप चाहते हो कि कोई कलर जैसे यहाँ पे बाल है इसके थोड़े, हम इसको क्या करें थोड़ा सा और भी गाढ़ा कर दें, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बर्न टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है ये बर्न टूल, यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखिए बर्न टूल। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई पिक में किसी भी चीज़ को ये क्या करेगा, जैसे गाढ़ा करने का काम करेगा, जैसे यहाँ पे इस फोटो को पहले बड़ा करते हैं, अब यहाँ पे जिस भी एरिया को आपको क्या करना है थोड़ा गाढ़ा करना है, आप क्या करिए इसको उसके अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो पिक थी इसके बाल थोड़े हम काले कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह अगर आप चाहते हो कि इस बाल को थोड़ा सा हम गाढ़ा कर दिया जाए, काला कर दिया जाए, इस तरह ये हो गया, जहाँ पे भी आप चाहते हो उसको क्या करिए सेलेक्ट करके इस तरह उस पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है गाइस, इतना रहने देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एक पेज लेते हैं, यहाँ से एक न्यू यानी कंट्रोल एन करके भी आप पेज ले सकते हो, और यहाँ पे A4 साइज़ का ही पेपर लेते हैं और RGB कलर रखेंगे, और यहाँ पे रेजोल्यूशन हमेशा 300 होना चाहिए पिक्सल इंच, और यहाँ से ओके करेंगे। इस तरह हम क्या करते हैं एक पेज यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा पेज आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ये फ़ोटो है उसको हम इस पेज पे मूव कराएंगे, तो यहाँ से हम मूव करा देते हैं, मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं, और इस पेज इस फ़ोटो को क्या करते हैं हम मूव करा के अपने इस पेज पर लाते हैं। ये देखिए हमारा जो फ़ोटो था इस पेज पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कंट्रोल प्लस के साथ, और यहाँ से इसको ऊपर ले लेते हैं। अब ये क्या है कि इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं उसके अनुसार, यहाँ पे ये हो गया। हमने एक काम करना भूल गया है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, बॉर्डर लगाना चाहिए था, हमने इस पर क्या किया बॉर्डर नहीं लगाया है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको पहले इसको हटा लो यहाँ से, उस फ़ोटो को पहले बॉर्डर लगा लेते हैं, थोड़ा सा हम बॉर्डर उसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं फिरते हैं, और यहाँ से कंट्रोल एक में हम क्या लगाते हैं, यहाँ से बॉर्डर लगाएंगे, एडिट पे आएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे विथ 3 पिक्सल, और यहाँ से क्या करेंगे
कलर ब्लैक ही रखेंगे और इसको यहाँ से इनसाइड करेंगे और नॉर्मल मोड रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये क्या होगा कि हमारा ये जो बॉर्डर है इस पर लग के रेडी हो चुका है। अब यहाँ से इस फोटो को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ से कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज लेते हैं। ए फोर का जो भी आप जिस भी पेपर पर आप निकालना चाहते हैं उसका यहाँ पर साइज़ ले लो और यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, वाइट बैकग्राउंड और यहाँ से ओके करके एक पेज ले लिया। अब हम क्या करते हैं पेज को हम यहाँ पे करते हैं और इस फोटो को मूव कराते हैं इसी पेज पे, क्योंकि हमें ये फ़ोटो इस पेज पे सही तरीके से बैठाना है कि कितने फ़ोटो इस पे लाने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और कंट्रोल प्लस करते हैं और यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हम सही तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस फ़ोटो को, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से हम अल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको हम ड्रैग करेंगे, यानी ये क्या होगा कि आपका फिर से यहाँ पे एक साइज में एक इमेज फिर से बन के रेडी हो जाएगा और यहीं पर हम छोड़ देंगे। फिर इसको फिर हम अल्ट के साथ यहाँ से प्रेस करके और फिर यहाँ से एक और कापी इसकी निकालते हैं और उसको सही तरीके से हम इस तरह बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि जो स्पेस रखेंगे उसी के हिसाब से रखना है। फिर हम अल्ट के साथ फिर यहाँ से न्यू एक फ़ोटो और निकालेंगे इसमें, तो हमारा जितना भी फ़ोटो उस पेज पे आएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ोटो को फिट कर लेंगे। यहाँ से फिर हम अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर इसको निकालेंगे यहाँ पर। अब ये हमारा पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब यही चाहते हैं कि हमारा क्या हो कि एक ये सब एक लेयर बन जाए। अब यही सेम चीज़ हमें नीचे करना है, तो पहले कंट्रोल ई करो, कंट्रोल ई करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे देखो लेयर दो लेयर एक साथ जुड़ चुके हैं। फिर कंट्रोल ई, फिर कंट्रोल ई, देखो जब तक वन लेयर पे ना आ जाए तब तक हम कंट्रोल ई करेंगे। अब ये क्या होगा अब एक लेयर बन चुका है पाँचों फ़ोटो और अब हम अल्ट के साथ नीचे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा ये फ़ोटो बन के उसी तरह सेम रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इस तरह हमें जितने भी फ़ोटो चाहिए इस पेज को अगर हमें पूरा फिल करना है यानी पूरा लाना है तो फिर आप कंट्रोल ही कर सकते हो। अब देखो ये दो लेयर सेम हो चुकी है आपके, अभी इसमें जगह है तो आप क्या करिए इस फ़ोटो को यहाँ से अल्ट के साथ नीचे ड्रैग कर लीजिए। यहाँ तक ये फ़ोटो आएगा, फ़ोटो यहाँ तक सही आ सकता है, तो हमने यहाँ तक इसको रखा। और भी अगर पेज में जगह है तो आप वहाँ पे क्या करो रख सकते हो फ़ोटो को। अभी भी इसमें जगह है तो हम क्या करते हैं इसको अल्ट के साथ और यहाँ पे इस फ़ोटो को ला लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये फ़ोटो पूरी तरह बन के रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे जगह नहीं है, आप इसको आप कंट्रोल माइनस करके देख सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा फ़ोटो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो प्रिंट करके, या अगर आप इसको सेव कर लो किसी भी दुकानदार के पास जाके उसको प्रिंट करवा सकते हो। सेव कैसे करेंगे पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ यानी पोर्टेबल फाइल होगी। कंट्रोल यस करेंगे, यहाँ पर हम चूज करते हैं, यहाँ पर देखो फॉर्मेट जो है इसका, अगर आप यहाँ पर जिफ करते हैं तो जिफ यानी गिफ वाले फॉर्मेट में हो जाएगा। हमें क्या करना है इसको पीडीएफ वाले में रखना है, जेपीजी में भी नहीं रखना है। हम एक पीडीएफ वाला फॉर्मेट लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। नाम क्या देना है वो नाम आप चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज ये नेम हो गया। और यहाँ से हम जैसे ही इसको सेव कर देंगे ये फ़ोटो हमारा जेपीजी में ही सेव हो ताकि वो फ़ोटो दिखना चाहिए। और यहाँ से यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो पीडीएफ सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्वालिटी हम मैक्सिमम यानी फुल कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी आनी चाहिए। और यहाँ से अब इसको हम क्या कर सकते हैं क्लोज करके देख सकते हैं कि वो देखो यहाँ पर फ़ोटो सेव है हमारा। अब इस पीडीएफ फाइल को आप किसी के पास भी जाके इसको प्रिंट करा सकते हो। हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। यहाँ से जैसे आप ओपन करोगे ये देखिए जो भी आपने उस फ़ोटो को बनाया है जिस तरह भी बनाया है ये पूरा फ़ोटो यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो गाइस इस तरह बहुत ही आसानी से आप पासपोर्ट साइज़ को बना सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।